मध्य प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसला सीएम मोहन यादव के द्वारा लिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के तमाम जिला का एयर एम्बुलेंस की सुविधा दिलावे के खातिर अब पहल की गई। सीएम मोहन यादव के द्वारा बैठक में ये बात के खातिर कहा गया है कि प्रयास की गई कि प्रत्येक जिला से एयर एम्बुलेंस के संचालन हो जैसे गंभीर रोगी का त्वरित और बेहतर उपचार मिल सके। तो विधि क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम करी थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कहा गया कि यह कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक जिला से एयर एम्बुलेंस के संचालन हो सके जैसे गंभीर रोगी का अच्छा चिकित्सा संस्थान में उपचार के खातिर हवाई सुविधा के लाभ हो सके। हवाई सेवा से पर्यटन व्यापार वाणिज्य गतिविधि और अन्य समस्त आर्थिक गतिविधि में वृद्धि संभव होती। इस दिशा में केंद्र सरकार के प्रयास के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा घलाए अधिकतम प्रयास की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना जिला के चित्रकूट में श्री राम वनगमन पथ के संबंधित ग्वालियर से बेंगलोर और ग्वालियर से दिल्ली अयोध्या के बीच नई हवाई सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। यह अवसर में सीएम के द्वारा कहा गया कि नई विमान सेवा से ग्वालियर अंचल के साथ साथ प्रदेशवासी उत्तर और दक्षिण भारत से एयर कनेक्टिविटी के बेहतर सुविधा प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई सेवा के विस्तार हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के ग्वालियर, स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की भूमि ग्वालियर और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के कर्म क्षेत्र के निवासी का मकर संक्रांति के पर्व पर नई सौगात मिल रही है। ग्वालियर में बता दें कि 500 करोड़ रुपया के लागत से विमानतल के उन्नयन की पहल ऐतिहासिक है और यह कारवां चलत रही। प्रदेश के विभिन्न हवाई पट्टी के उन्नयन के काम गलाए हो रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मध्य प्रदेश का निरंतर सहयोग मिल रहा है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।